हैं, जैसे कि आप जानती हो शमिता, विशाल, जय, आई डोंट लाइक दिस पीपल, जिनमें इंसानियत ही नहीं, मैं उनको इंसान ही नहीं गिनती। हेलो पीपल, दिस इज मी नेहा, और एक और एडिशन ले आए हम ऑफ मिर्ची इंडी सुपरस्टार। और आज हमारे साथ सुपरस्टार है, रॉक स्टार है, ये स्टार ही है, इनका नाम है अफसाना खान। लेट्स वेलकम हर ऑन टू द शो, अफसाना। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। बहुत ही डाउन टू अर्थ, लेकिन इनकी जो आवाज है ना, वो ऐसे बुलंदियों तक पहुंचती है, मतलब क्या बताएं। अब यार पहले तो ये बताओ, इतनी सॉलिड वॉइस जो भगवान ने दी है, टच वुड, गॉड ब्लेस, वो उसके लिए सबसे पहले तो सेहत अच्छी चाहिए, गले को बहुत ही अच्छे से रखना है, तो कुछ ऐसी चीजें होती होंगी जो आप सुबह और शाम करते हो। सच बताती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं करती हूँ गले के लिए, शोज के पहले, डबिंग के पहले कुछ भी खा भी लेती हूँ, मैं कभी भी कोई परहेज नहीं किया, और ना कोई कभी गरारे करती हूँ कि गला खराब हो गया या कुछ बैठ गया, नथिंग। दूसरी बात कि मैंने कभी रियाज नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, ना गायकी सीखी है। क्या बात कर रहे हो जी। तो तीसरी बात, आई एम टू मच ब्लेस्ड, बाबा जी की बॉब मेरे। Out with a new song, and this one's called Bechari. जीने नाले तेरी यारी होगी, ओ कुड़ी किन्नी बेचारी होगी। छा गए आप, क्या बोलेंगे अभी इसके बारे में, है ना? वीडियो भी बहुत जबरदस्त है, आपके दोस्त हैं उसमें। साल डेढ़ साल पहले डब किया मैंने गाना, और बिग बॉस से पहले, तो ये करण का मेरे लिए सरप्राइज था। मुझे जब वीडियो बन के आया, मुझे तब दिखाया गया, मतलब अच्छा लगा मुझे कि मेरा अपना ही भाई इस गाने में है, और उसने एक्ट वाह कमाल किया है, और दिव्या है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। सो सरप्राइज था मेरे लिए, और बहुत अच्छा काम किया बी टुगेदर टीम ने, म्यूजिक किया गोल्ड बॉय ने, और लिखा निर्माण ने, तो अच्छा लगा। और टाइम म्यूजिक से आया है, तो खूब जोरों शोरों पे सारी टीम बड़ा हार्ड वर्किंग कर रही है अभी भी। मेरी शादी थी जब इन्होंने शूट किया है, और वीडियो के लिए मुझे अप्रोच किया था, बट हाँ, तो मुझे मैं उस टाइम बिजी थी। अच्छा, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। इनकी अभी भी शादी हुई है कुछ टाइम पहले, नई नई वाली। थैंक यू। कैसा जा रहा है शादीशुदा जिंदगी? मेरी अच्छी है शादीशुदा जिंदगी, क्योंकि हम लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे। अब हम इस मंथ अप्रैल में, मतलब हमें 5 साल हो गए इकट्ठे। वाओ, दैट्स लवली। अच्छा, हमारी जो ऑडियंस है जो देख रही है आपको इस वक्त, वो सोच रही है कि आप बार बार बोल रहे हो जब अभी हम बॉम्बे आए हैं, अभी हम बॉम्बे आए हैं, तो वैसे घर कहाँ है? घर मेरा मोहाली है, चंडीगढ़। ओए होए, और पंजाब में है, बादल गांव में। क्या बात, तो पंजाब के तो आप वैसे ही क्वीन हो, है ना? थैंक यू सो मच। नो, बट व्हाट आई वाज कमिंग टू वाज मे बी अ लिटिल बिट ऑफ बॉलीवुड, कहीं पे ऐसा है सीन स्कीम में आपके? अरे स्कीम में क्या, मैंने डब कर दिए हैं गाने संजय लीला बंसाली जी के साथ। वाओ, तितलियां को जो हुआ वो, मतलब बहुत ही ऐसे आउटस्टैंडिंग हुआ, वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइप हुआ। व्हाट इज इट, 800 मिलियन प्लस। सो इस पीछे भी मेरी टीम, जानी भाई, देसी मेलोडी, वी प्रैक, एविसरा, सबका है कि इस गाने ने मुझे कहाँ तक बना दिया। मैं कभी भी जिंदगी में एहसान नहीं भूलूंगी उनका। तितलियां भी ऐसा ही था कि मुझे बुलाया गया गाना चेक करने के लिए कि सूट करता है वोकल पे भी नहीं, तो मैं गई और मेरे से डब कराया वो, और डमी है वो जो रिलीज हुई है, रफ, वो रफ कट है। हाँ, ऐसे भी होता है, ऐसे ही होता है मेरे साथ तो, ऐसे ही होता है, जितने गाने आते मेरे रफ ही रिलीज कर देते हैं। शुरुआत कैसे हुई, मॉम डैड कोई था घर पे जो थे इनटू म्यूजिकल बैकग्राउंड? यस यस, मेरे पापा गाते थे, तो 2003 में उनकी डेथ हो गई थी, हम 5 बहनें एक भाई हैं, तो मैं 5वें नंबर पे हूँ, मेरे से छोटा मेरा भाई खुदा बख्श। शुरुआत जैसे बुरा वक्त बहुत था पापा के बाद, कमाई का जो साधन होता वो बिल्कुल नहीं था, तो मम्मी मेरे लोगों के घर पे काम करते थे, तो मैंने उस दिन से सोच लिया था कि मैं काम नहीं करने दूंगी। ये लेटेस्ट बातें हैं 2017 तक की, जब मैंने अपनी मम्मी को काम करते हुए रोका, और फिर मैंने आगे की लाइफ शुरू की। अच्छा, एक बात बताओ, बिग बॉस ऑफ कोर्स कैसा रहा वैसे? बिग बॉस आप सबने देखा ही है कैसा रहा, कैसी थी अफसाना, क्या बना के निकाला उनको, तो ऐसी नहीं हूँ मैं, मैंने सबको बोला था ऐसे ही चिढ़ा था। इस बात का जब जा रहे थे आप, कैसा हो सकता है? बहुत सारों ने बोला था कि मत जाना, ऐसा हो जाता है, तो जब मैं होटल में 10 दिनों के लिए अकेली छोड़ दिया, तो मुझे पता लगा कि पैनिक अटैक, मुझे मुंबई से पता लगा ये पैनिक अटैक होता है। सो इसी चक्कर में ये सब, मैं फैमिली से अलग नहीं रही ना, तो उस टाइम मुझे अलग रहना पड़ा, तो मैं रह नहीं पाई, सह नहीं पाई, तो उस चीज़ का सब लोगों ने, जिनों में इंसानियत नहीं है वो लोगों ने मेरा मजाक बनाया, जैसे कि आप जानती हो शमिता, विशाल,
विशाल जय आई डोंट लाइक दिस पीपल नेवर अगेन नो मैं और कोई भी और रियलिटी शो नहीं रियलिटी शो अलग बात है बट जिनमें इंसानियत ही नहीं मैं उनको इंसान ही नहीं गिनती तो रियलिटी शो तो कर रही हूँ जैसे मैं अभी लॉकअप में जाके आई हूँ कल और अभी खतरा खतरा में जा रही हूँ अच्छा गाना सुनाओगे कि नहीं हमको जो है ना जी कौन सा सुनना है बेचारी सुना दो हाय चंदेरी उधर दांदी मारी होगे ओदी ते किस्मत माड़ी होगे जीदे नाल तेरी यारी होगे ओ कुड़ी किन्नी बेचारी होगे बहुत अच्छे ऋचा शर्मा वाली वो है आपकी आवाज में बुलंद जिसको बोलते हैं मैं उनको लाइक करती हूँ मैं सुनती भी हूँ कभी कभी सुनूं तो मैं उनको सुनती हूँ ऋचा शर्मा जी को हमेशा मैं बोलती भी हूँ इंटरव्यूज में एक छोटा सा गेम है वो खेलते हैं मैं ना कुछ गानों के दो दो लाइन बोलूंगी आपसे okay. आप गेस करना कौन सा गाना है सो दिस वन इज दो चार दिन से लगता है ऐसे सब कुछ अलग है सब कुछ नया है मुझे नहीं पता कौन सा गाना है सीरियसली नहीं पता नहीं नो अच्छा एक और ट्राई करते हैं हाँ. मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा वो वाला आमिर खान की मूवी का है यस ऑल इज वेल वेरी गुड थैंक यू समझ गई मैं ओके एक लास्ट करेंगे शर्मो हया पे पर्दे गिरा के करनी है हमको खता सुभान अल्लाह फना है ना चांदी सिफारिश क्यों करता हमारे All right, listen, it was super fun chatting with you. Thank you so बहुत much. मजा आया बहुत मस्ती आई और you. आप ऐसे बम्बई आते रहो और मिलते रहो धमाकेदार गाने बनाते रहो Thanks. Good luck. Thank you. Bye bye guys. Thank you so much. Hi, this is me, अफसाना खान और आप देख रहे हो मिर्ची इंडीज YouTube चैनल